नमस्कार, एनबीसी न्यूज की टॉप 10 न्यूज में आप सभी का स्वागत करते हैं। सुबह की शुरुआत एनबीसी की खबरों के साथ, जानेंगे देश विदेश की खबरें एक साथ। गोवा सीएम ने की सोनाली फोगाट की मौत की सीबीआई से जांच की सिफारिश। केरल में भारत जोड़ो आंदोलन में शामिल हुई प्रसिद्ध एथलीट और एशियाई स्वर्ण पदक विजेता शाइनी विल्सन। वर्ल्ड कप T20 के लिए टीम इंडिया का हो सकता है ऐलान, सिलेक्शन कमेटी की बैठक होगी आज। छत्तीसगढ़ के कोरबा में बस ट्रक की जबरदस्त भिड़ंत, 7 लोगों की मौत तो 3 घायल। देश भर में गैंगस्टर के 7 ठिकानों पर NIA की छापेमारी, 160 अधिकारी कर रहे हैं कार्रवाई। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड, पंजाब पुलिस ने संदीप केकड़ा के भाई और रेकी में शामिल बिट्टू को किया गिरफ्तार। गुजरात में अरविंद केजरीवाल आज ऑटो ड्राइवर के साथ करेंगे टाउन हॉल में मीटिंग, आप संयोजक अरविंद केजरीवाल 2 दिन गुजरात दौरे पर। इंडो नेपाल बॉर्डर पर बादल फटने से भारी तबाही, दर्जनों मकान हुए जमीन दोस्त। उत्तराखंड समेत 10 राज्यों में येलो अलर्ट, देश के कथित हिस्सों में हो सकती है सामान्य से ज्यादा बारिश। और अमेरिका के फिर पाकिस्तान परस्त नीति, भारत ने जताया कड़ा विरोध।